पता नहीं ऐसा क्या था जेठालाल के पास कि वो गुंडे लूटने आए थे। वो हीरालाल भाई का प्रदर्शन में हमने जो 10 करोड़ की साड़ी देखी थी ना, वो टप्पू के पापा के पास थी। आप चोर को पकड़ो, मारी 10 करोड़ की साड़ी वापस लाओ। इससे पहले कि वो चोर साड़ी बेचकर शहर या देश छोड़कर भाग जाए, हमें चोर को पकड़वाने के लिए जल्द से जल्द पुलिस पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। गणपति का चंदा लेने आए हो क्या? नहीं नहीं पांडे जी, हम तो कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। हाँ, आप गोकुलधाम के सेक्रेटरी हो ना? हाँ हाँ। क्या करूँ इसका? ये कंप्लेंट रजिस्टर है, इसी में कंप्लेंट लिख लो। वैसे भी तो केस तो आप ही लोग खुद सॉल्व कर लेते हो ना। अब साल भर में जितनी भी कंप्लेंट आए उसमें रजिस्टर कर लो और सॉल्व कर लेना, और साल भर में जितना भी केस सॉल्व कर लिया ना, ईयर एंडिंग में मेरे पास ले आना, मैं उसको वेरीफाई करके ठप्पा मार के दे दूंगा। आप लोग भी खुश, हम भी खुश। देखिए देखिए इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, इस बार केस आपको ही सॉल्व करना है। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब बोलो। आप ही करेंगे। पक्का? 100% पक्का। अब ये इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ। अगर अब आप लोगों ने केस सॉल्व किया तो सबको अंदर कर दूंगा। बोलिए क्या कंप्लेंट है? पांडे बेटा, एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। मेरे बेटे जेठा और मैं तो उसके हाथों से कुछ गुंडे 10 करोड़ की साड़ी चुरा के भाग गए। ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही दिन में 10 करोड़ की 2 साड़ियां चोरी हो गई? सवेरे हीरालाल जवेरी के एग्जीबिशन से चोरी हो गई और अभी जेठालाल के पास से चोरी हो गई। पांडे जी, ये 2 अलग अलग साड़ी नहीं है, एक ही साड़ी है। दरअसल जेठालाल के पास ही हीरालाल भाई की साड़ी थी। हाँ। ओ, नाउ केस इज सॉल्व्ड। मिस्टर आयर, थैंक यू, आप जुबान के बहुत पक्के हो। आखिर में मैंने केस सॉल्व कर ही लिया। केस बिल्कुल साफ है, हीरालाल के एग्जीबिशन से जेठालाल ने 10 करोड़ की साड़ी चुराई थी। अरे अरे, अरे नहीं नहीं पढ़ने बेटा, मेरा बेटा चोर नहीं है। चाचा जी, हर बाप यही कहता है कि उसका बेटा चोर नहीं है। मार्केट में कोई भी एक ऐसा बाप ढूंढ के लाओ जो कबूल कर सके कि उसका बेटा चोर है। साहब, मैं कहता हूं मेरा बेटा चोर है और वो भाग गया, इसलिए पूछताछ के लिए मुझे बुलाए। मेरे को क्या बोलता है? मैं तेरे से पूछा नहीं ना, वो पूछ रहा था, उसको जवाब दे, मुझे क्यों जवाब दे रहा है? देखो पांडे बेटा, मेरे जेठिया ने हीरालाल के वहां से साड़ी चोरी नहीं की थी। हाँ। बल्कि हीरालाल ने खुद जेठिया को साड़ी दी थी। हीरालाल ने जेठालाल को साड़ी दी थी? हाँ। कि हीरालाल ने चोरी की कंप्लेंट क्यों लिखवाई? इंस्पेक्टर साहब, हीरालाल ने झूठा कंप्लेंट लिखवाया है पब्लिसिटी स्टंट के लिए। हीरालाल ने झूठी कंप्लेंट लिखवाई, पुलिस को गुमराह किया। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं हीरालाल को। जेठालाल का है? वो क्यों नहीं आया? वो जेठालाल क्यों नहीं आया? इतना क्या ईगो इसमें है? आना चाहिए ना इधर। ईगो की बात नहीं है, दरअसल जेठालाल और मेहता साहब दोनों बेहोश हैं। हाँ? तेरी आंखों के सामने गुंडों ने उन्हें बेहोश कर दिया और साड़ी लूटकर टैक्सी में भाग गए। हाँ? हाँ? आप लोगों की बातें सुनकर मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हीरालाल कह रहा है कि उसके एग्जीबिशन से साड़ी चोरी हुई है, अभी आप लोग कह रहे हैं कि जेठालाल के पास से चोरी हुई है। साड़ी कह रहे हैं आप लोग एक है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, ये केस कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक काम कीजिए बेटे साहब, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 25 लोग है ना, मिलके सॉल्व कर लेना। ये तो चीटिंग है। देखो इंस्पेक्टर साहब, ये केस आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है। मैं परीक्षा ले रहा था, मना नहीं कर सकते थे? फट से ले लिया रजिस्टर। देखो हाँ, तो चला बैठ।
अब मुझे आप लोग साफ साफ बताओ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए मैं बताता हूं, हुआ यूं कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। एक काम करो, जरा आप लोग पता करो जेठालाल और मेहता होश में आए कि नहीं, उनको यहाँ बुलाओ। तब तक मैं हीरालाल को फोन करके बुला रहा था, अभी तक को पहुंचा नहीं होगा मुंबई की ट्रैफिक का। बड़े मास्टर का फोन है। हाँ बड़े मास्टर। हाँ हाथी भाई, अभी जेठालाल और मेहता साहब की तबीयत कैसी है, उनको होश आया? नहीं नहीं, होश तो अभी नहीं आया बड़े मास्टर, लेकिन शायद अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन है। डॉक्टर हाथी का कहना है कि उनको अभी तो होश नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, साड़ी मिल गई, साड़ी मिल गई। चोर पकड़ो गया, चोर पकड़ो गया। चोर तो नहीं पकड़ो गयो, लेकिन तू पकड़ो गयो भाया। क्या बोल रहे हो? ज्यादा भोले मत बनो। पब्लिसिटी के लिए तुमने साड़ी चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस को गुमराह किया। इस जुर्म में मैं तुम्हें 4 साल के लिए अंदर कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हो? हीरो साचो बाकी सब झूठो, मैंने कोई झूठी कंप्लेन ना लिखवाई। किसने कहा आपसे? इन लोगों ने। कौन है ये? अरे हीरालाल भाई, क्या कौन है ये लोग, भूल गए आप? हम लोग जेठल के साथ आए थे एग्जीबिशन देखने के लिए, गोकुल नाम का मैं एक में सेक्रेटरी आत्मारम तुकाराम भिड़े, और मैं पत्रकार पोपटलाल, मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया था। हाँ हाँ याद आवी गयो, ये जेठालाल के दोस्त है, उस दिन एग्जीबिशन में आए थे। आपके दोस्त जेठालाल का कहना है कि आपने उसे 10 करोड़ की साड़ी दी थी। के? जेठालाल झूठ बोल रही हो है? मतलब जेठालाल का फोन आया था मन्ने, जेठालाल ने मुझे साड़ी मांगी थी। देखा देखा, लेकिन 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 मैंने दी नहीं थी। हीरालाल, क्या आप जो भी कह रहे हो होश आवाज में कह रहे हो? क्या आपने अपने दोस्त जेठालाल को सच में साड़ी नहीं दी थी? हीरो साचो बाकी सब झूठो, मैं क्या बावड़ा हो गया हूँ? वो 10 करोड़ की साड़ी मैं अपनी बीवी को ना दूं तो जेठालाल को क्यों दूं? अच्छा, तूने मेरे जेठिया को साड़ी नहीं दी? नहीं। तुमने अपने हाथों से जेठिया को साड़ी नहीं दी थी? नहीं। तो मेरा जेठिया साड़ी कहाँ से लाया? तुम कहना क्या चाहते हो, मेरे जेठिया ने साड़ी चोरी की? हाँ। अरे अरे क्या, हाँ? ये झूठ बोल रहे, इतने बड़े आदमी हो क्या झूठ बोलते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं 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 नहीं, मैं झूठ को नहीं बोल रही हूँ। अगर साड़ी जेठालाल के पास है तो आप जेठालाल को पकड़ो, जेठालाल ने चोरी की है। जेठालाल भाई क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या किए? हाँ झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चोर है। अरे ऐसे ये सब बातें प्यार से भी तो हो सकती है ना। सॉरी हीरालाल भाई, हीरालाल भाई, आप जेठालाल पे क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? जेठालाल ने हमें साफ साफ कहा था कि आपने उसे साड़ी दी थी। देखो पांडे बेटा, ये झूठ बोल रहा है। मेरा जेठा कभी झूठ नहीं बोलता, और चोरी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता। देखिए हीरालाल भाई, आप पुलिस को बता दीजिए कि आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए यह झूठा कंप्लेंट लिखाया है। मैंने कोई पब्लिसिटी के लिए ना की हो, मेरी 10 करोड़ की साड़ी चोरी हुई है, जेठालाल ने चोरी की है, हीरो साचो बाकी सब झूठो, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जेठालाल ने मुझसे साड़ी मांगी थी, मैंने देने से मना कर दिया, तो जेठालाल ने साड़ी चोरी की। बोलो कहाँ है मेरी साड़ी, कहाँ है मेरी 10 करोड़ की साड़ी, बोलो बोलो। अरे अरे, आपको बड़ी गलत फहमी हो रही है हीरालाल जी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो साड़ी जेठालाल के पास से भी चोरी हो चुकी है। क्या? यस,
जेठालाल ने मारे से साड़ी चोरी की और किसी ने जेठालाल से चोरी कर दी। मैं लुट गयो, मैं दूसरी बार लुट गयो। मगरमच्छ के आंसू, ये झूठ बोल रहा है पांडे बेटा। एक मिनट चाचा जी, आप मुझे बार बार बेटा कह के इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। अरे ये कानून तय करेगा कि मैं किसका बेटा हूं। मतलब कानून तय करेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सर सर सर, मॉनिटर रूम में ही आई, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक मिनट, मेरे गैर हाजिरी में आप लोगों ने केस सॉल्व करने की कोशिश की तो वीडियो मेरे पास है, सबको अंदर कर दूंगा। सर, ज्वेलरी एग्जीबिशन का सारा फुटेज चेक कर लिया। सर मुझे दो लोगों पर शक है। कौन है दो लोग? ये है सर वो दो लोग। चुपके से एग्जीबिशन में साड़ी की फोटो खींच रहे। तो जेठालाल और मेहता? जी हाँ सर। सर और भी है सर, ये देखिए। एग्जीबिशन के पहले दिन ये आदमी एग्जीबिशन में छोटा चाकू लेकर भी आया था। कौन? सोच भी नहीं सकते कि जेठालाल और मेहता ऐसा घिनौना काम करेंगे। कदम सर, मैं आगे की इंक्वायरी के लिए जेठालाल और मेहता को यहाँ बुलाना पड़ेगा। यस सर। कॉल देम। यस सर। थैंक यू। तारक ठीक लग रहा है? हम लोग यहाँ कैसे? हाँ, हम लोग तो साड़ी लौटाने जा रहे थे ना। आप लोग साड़ी की वजह से यहाँ पे हो। हाँ। साड़ी कहाँ है? साड़ी चोर लेकर भाग गए। चलो अच्छा हुआ। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी पंडित जी क्या हुआ? क्या देखा आपने मॉनिटर रूम में? हमें बहुत बड़ा सुराग मिल गया है। अच्छा, क्या 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 सुराग मिला है? क्या सुराग मिला है? अब जैसे जेठालाल और मेहता पुलिस स्टेशन में आएंगे सच का पता चल जाएगा। जेठा जी, होश आ गया तारक, होश आ गया। जेठा मैं पानी पानी हाँ हाँ पानी लाती हूँ, पानी लाती हूँ। उठो उठो आराम से उठिए। पता है जी, खूब खूब पानी चाहिए। कैसा फील हो रहा है तारक? ठीक है ना, ये लीजिए। हाँ हाँ मत, मैं तो सब पानी पी लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ पानी पीजिए। ठीक है ना बटे बुके पापा। तारक ठीक लग रहा है? हम लोग यहाँ कैसे? हाँ, हम लोग तो साड़ी लौटाने जा रहे थे ना। आप लोग साड़ी की वजह से यहाँ पे हो। हाँ। साड़ी कहाँ है? साड़ी चोर लेकर भाग गए। चलो अच्छा हुआ। हाँ? मतलब अच्छा हुआ उन लोगों ने हमें सिर्फ बेहोश किया। हाँ, कोई चोट वोट नहीं पहुँचाई। हाथी भाई प्लीज जरा इनको फोन करके बोल दीजिए ना कि इन दोनों को होश आ गया है। हाँ। नहीं नहीं माधी भाभी, भीड़े को क्यों परेशान कर रही है? नहीं नहीं तैसा का है जेठा भाई, इनका पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो सब लोग वहाँ चिंता कर रहे हैं ना इसीलिए। पुलिस स्टेशन? सब पुलिस स्टेशन? हाँ, वो साड़ी की रिपोर्ट लिखवाने अय्यर भाई, पोपट भौजी, चंपक चाचा जी और ये गए हैं साथ में। क्या क्यों? अरे क्या क्यों क्यों क्या टप्पू के पापा, 10 करोड़ की साड़ी चोरी हो गई है तो पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाना ही पड़ेगा ना। अरे दया, वो साड़ी 10 करोड़ की नहीं सिर्फ 20,000 की थी, गई तो गई, इसमें पुलिस को घसीटने की जरूरत नहीं थी।
हंस। हाँ कोमल। पुलिस स्टेशन से पुलिस आई है। पुलिस? सत्यानाश, आ गई पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार करने। मैं क्यों, हमने क्या किया है? जेठालाल, 10 करोड़ की असली साड़ी चोरी हुई है और चाचा जी ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई होगी तो बताया होगा ना कि साड़ी हमारे पास है, तो पुलिस तो यही समझेगी ना कि हम चोर है। बोला था जेठालाल, अगर मेरी बात मान ली होती तो ये नौबत नहीं आती आज। कौन सी बात? वही सोचो, कौन सी बात, खुद सोचो। पेट्रोल आग? हाँ, बोला था कि नहीं? टोपू के पापा, आपको और मेहता साहब को पुलिस भाई बुला रहे हैं। क्यों? वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए। क्या हुआ, हमको क्यों बुलाया है? हाँ, हमने क्या किया है? पुलिस स्टेशन में सब पता चल जाएगा, चलिए। ठीक है दया, हम लोग जाके आते हैं। पापा, हम लोग भी साथ में आते हैं। नहीं नहीं, सबको आने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, वो क्या है कि शायद वो बापूजी वो लोग ने वो रिपोर्ट लिखाई होगी ना, वो साड़ी की चोरी की, तो उसमें हमारी साइन की जरूरत होगी, इसलिए हम लोग साइन करके अभी वापस आ रहे हैं। अभी आ गए। हां चलिए चलिए, आते हैं। ऑल द बेस्ट। हमारे वजह से बेचारे जेठा जी और मेहता साहब को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या कह रही हूं, हम सब भी पुलिस के जाए। दया भाभी, जाने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो फॉर्मेलिटी फिनिश करके साइन करके आ जाएंगे। हाँ, पर पता नहीं मुझे बहुत बेचैनी, मुझे फिकर हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर आती हूँ। अरे अरे दया भाभी, ऐसी बात है तो हम सब चलते हैं ना। हाँ, हम सब चलेंगे। हाँ चलिए। हाँ हाँ, आप लोग जाइए, मैं और हंस यहाँ रुकते हैं, बच्चे भी अभी आते होंगे। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सब चोर यही कहते हैं जेठालाल, मार्केट में से कोई भी एक चोर ढूंढ के निकालो, वो कबूल करे कि हाँ मैंने चोरी की है। आप, मैं कबूल करता हूँ मैंने चोरी की है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता और जेठालाल को लेकर आ गए। हीरो साचो, बाकी सब झूठो। ये गुनहगार है, इससे पूछो मेरी साड़ी कहाँ, कहाँ मेरी साड़ी? क्या गुनहगार क्या है? क्या गुनहगार क्या? अरे जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक कोई गुनहगार नहीं होता, सिर्फ शकमंद होता है। इस मन बुद्धि को समझाओ पांडे बेटा। बाबूजी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। चाचा जी, चाचा जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबूजी। जेठालाल, सच सच बता दो, वरना तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, अगर झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। चालू जी, पांडे जी, आप तो मुझे सालों से जानते हैं, आपको तो पता है मैं कभी कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम एग्जीबिशन हॉल में साड़ी की फोटो क्यों खींच रहे थे? मैंने सीसीटीवी फुटेज खुद देखा है, तुम दोनों 10 करोड़ की साड़ी की फोटो खींच रहे थे, और जहां फोटो खींचना अलाउड नहीं है वहां तुम दोनों फोटो क्यों खींच रहे थे? क्या बात करे पांडे जी, जेठालाल ये बात तो हमको पता ही नहीं है। जेठालाल, मुझे तो हीरालाल की बात एकदम सच लग रही है। इन्होंने तुम्हें 10 करोड़ की साड़ी देने से इनकार कर दिया तो तुमने साड़ी चुरा ली। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सब चोर यही कहते हैं जेठालाल, मार्केट में से कोई भी एक चोर ढूंढ के निकालो, वो कबूल करे कि हाँ मैंने चोरी की है। आप, मैं कबूल करता हूँ मैंने चोरी की है। मुझे जाने दो ना साहब। चुप रह, इतने पूछा क्या? पांडे जी चलो मान लेते हैं कि जेठालाल ने वहां पे फोटो खींची थी, लेकिन हकीकत तो यही ना कि हीरालाल ने खुद जेठालाल को साड़ी दी थी, वो चोरी क्यों करेगा? हाँ, बराबर है। बराबर है। नहीं नहीं भिड़े, वो हीरालाल भाई ने मुझे साड़ी नहीं दी थी। हाँ? What?
देखा देखा, मैंने कहा था ना मैं क्या बावड़ा हूँ जो इतनी महंगी साड़ी इनकी बीवी को पहनने को दूं, जब इतनी महंगी साड़ी मैं खुद की बीवी को पहनने ना दूं। अरे ये तू क्या कह रहा है? चाचा जी जेठालाल कह रहा है कि हीरालाल भाई ने उसे साड़ी नहीं दी थी। अरे वो तो मैंने भी सुना है। अरे जेठालाल, अगर हीरालाल भाई ने तुम्हें साड़ी नहीं दी थी तो इसका मतलब तो एक ही होता है कि तुमने साड़ी चुराई। भगवान की कृपा है कि मेरी साड़ी का चोर पकड़ा गया। एक तरफ कुआ है और एक तरफ खाई, जाए तो जाए कहां। बड़े अजीब हालात है भाई। पुलिस और हीरालाल को लगता है कि 10 करोड़ की साड़ी हमने चुराई है, पर हम लोग सच बता भी नहीं सकते कि हमारे पास जो साड़ी है वो 10 करोड़ की नहीं बल्कि 20,000 की डुप्लीकेट साड़ी है। कैसे बताएं? अगर बता दिया तो दया भाभी का दिल टूट जाएगा और सब हमारा मजाक बनाएंगे। क्या होगा भगवान ही जाने, लेकिन हम एक चीज जरूर जानते हैं कि शनिवार की रात हम आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल लेके आ रहे हैं ठीक 8:30 बजे। 8:30 से 9:30 शनिवार की रात तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल, 1 घंटे का विशेष एपिसोड जरूर देखिएगा। सोचिए कि क्या होगा हमारा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल मेरी एग्जीबिशन में आयो, उसने मुझसे साड़ी मांगी और मैंने नहीं दी। चोरी के वक्त सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं हुई और ये सिर्फ और सिर्फ जेठालाल कर सके। अरे! क्योंकि मेरी एग्जीबिशन में सारे सीसीटीवी कैमरा जेठालाल ने ही लगवाए। बात तो हीरालाल की सही है जेठालाल। अरे पर हमने कुछ किया ही नहीं। अरे आप